नमस्ते। हर रोज़ सबसे बढ़िया डील्स पाने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ढेर सारे पैसे बचाने के लिए हमारे टेलीग्राम या फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मिलेंगे सबसे बेस्ट डील्स और ऑनलाइन शॉपिंग करने के टाइम ढेर सारा डिस्काउंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं Xiaomi ने जो है वो अपना स्मार्ट एलईडी बल्ब लॉन्च किया हुआ है। इस बार जो उन लोग ने लॉन्च किया है वो नॉर्मल जो अपना एलईडी बल्ब आता है उसकी तरह उन लोग ने लॉन्च किया हुआ है, और ये कुल डे लाइट कलर में आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये आने वाला है और कब से इसका सेल शुरू होने वाला है या शुरू हुआ है, सारा चीज़ ये वीडियो में जान लेते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, Xiaomi इंडिया ने जो है वो मी स्मार्ट एलईडी बल्ब लॉन्च कर दिया है। ये डे लाइट वाला लॉन्च किया हुआ है, मतलब ये इसे वाइट लाइट के साथ आता है, और इसका जो प्लग है वो नॉर्मल बल्ब में जो आता है वही प्लग यूज़ किया हुआ है। और ये स्मार्ट बल्ब लॉन्च किया हुआ है इन लोग ने, जिसका प्राइस इन लोग ने बताया हुआ है कि 499 होने वाला है। ये जो बल्ब है ये आप वाईफाई अनेबल्ड है, तो आप एलेक्सा, गूगल होम या फिर Xiaomi इंडिया का मी स्पीकर है उससे भी आप ऑपरेट कर पाओगे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है मी स्मार्ट स्पीकर का, तो वो भी आप देख सकते हैं आई बटन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख लेना। तो चलिए जानते हैं ये बल्ब के बारे में, ये बल्ब में क्या डिटेल्स है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। मी स्मार्ट स्पीकर जो है वो गूगल असिस्टेंट पर चलता है, तो उससे भी आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। और ये जो है ये 7.5 वॉट का आता है और ये कुल डे लाइट कलर में आ रहा है। अगर शॉर्ट में फीचर्स की बात करें तो एडजस्टेबल ब्राइटनेस दिया हुआ है, ये आप मोबाइल ऐप से अपलोड कर पाओगे। मैंने जैसे आपको बताया ये स्मार्ट बल्ब है, तो इसके वजह से आप इसको वाईफाई डिवाइसेस से हैंडल कर सकते हैं, तो इसका जो ऐप है इससे भी आप उसको हैंडल कर पाओगे। फिर ये एनर्जी इफिशियंट है, एलईडी बल्ब है तो एनर्जी इफिशियंट ऑब्वियसली होगा। वर्क्स विथ वॉइस असिस्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा वगैरह से आप इसको हैंडल कर पाओगे। सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो है 15,000 आवर्स का, मतलब इन लोगों ने कहा है कि अगर रोज़ आप 6 घंटा इसको चलाते हो तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक आपको ये चलने वाला है। मतलब 499 में ये एलईडी बल्ब आपको 7 ईयर्स तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। वाईफाई एनेबल्ड रहेगा तो आप अपने वॉइस से या ऐप से इसको कंट्रोल कर पाओगे। और इसका जो सेटअप है वो भी इन लोग ने बताया हुआ है कि हैजल फ्री होने वाला है। प्लग एंड प्ले इसमें दिया हुआ है, मतलब जस्ट आपको आपका बल्ब को सॉकेट में लगाना है, फिर आपके मोबाइल पे ये जो मी होम ऐप है उसको डाउनलोड करना है और उसको कनेक्ट करना है ये ऐप से, ये अपने आप चल जाएगा और ऐप के साथ इसको आप कंट्रोल कर पाओगे। जैसे ब्राइटनेस शेड्यूल कर सकते हो, कभी आपको ऑन करना है कभी ऑफ करना है ये बल्ब को, पावर ऑन ऑफ रहेगा, ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा, कोई सीन आपको इसमें क्रिएट कर सकते हो, जो भी सीन आपको करना है क्रिएट वो आप क्रिएट कर पाओगे। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे स्पेसिफिकेशन इसमें दिए हुए हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, ये 6 मंथ्स वारंटी के साथ आता है, तो 6 मंथ्स के अंदर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो वो इसमें कवर हो जाएगा। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए सपोर्टेड है, मतलब दोनों में ऐप इसके अवेलेबल है। जो वर्जन है वो एंड्रॉयड 4.4 के ऊपर वाला होना चाहिए फ़ोन आपके पास, तो ही इसका ऐप आप सपोर्ट कर पाएगा। और iOS में 9.0 के ऊपर होना चाहिए तो ये सपोर्ट कर पाएगा। वाईफाई ये सिर्फ 2.4 GHz का सपोर्ट करेगा, अगर 5 GHz का भी है आपके पास वाईफाई तो उसका साथ ये कंपेटेबल नहीं है। जनरली 2.4 GHz सपोर्ट है इसके अंदर, तो सबका जो वाईफाई वो 2.4 GHz पे ही चलता है, तो आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको भी इसको बाय करना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अभी अवेलेबल है ये बाय करने के लिए। और ये आपको कहाँ पे मिलने वाला है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको Amazon और Mi.com पे दोनों पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हो। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे क्लिक करके बाय करना, तो चैनल को हेल्प होगा ग्रो करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे टाइप के वीडियोस में बनाते रहता हूँ, आप ये चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।